हेलो एवरीवन, आई एम शेफ रेखा पंडित फ्रॉम इंदौर। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग। गर्मियों का मौसम है और मैं मुंबई में हूँ और यहाँ पर हापुस आम बहुत आ रहे हैं, तो हापुस आम से मैंने सोचा कोई एक ऐसा डेजर्ट बनाएं जो घर के सभी लोग बहुत अच्छे से पसंद करें और खा भी लें। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा मैंगो डेजर्ट बता रही हूँ। देखिए, हापुस आम हमने लिए हैं जो कि यहाँ बहुत बेहतरीन मिलते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। हापुस आम को काट के मैंने मिक्सी में पीस लिया है थोड़ी सी शक्कर डाल के, तो उसकी ऐसी प्योरी बन गई है। तो एक स्टेप तो ये है कि हमें चाहिए मैंगो प्योरे जो कि हमने बना ली है। दूसरी बात यह है कि हमने 1 लीटर दूध लिया है और उसे एक बर्तन में डाल के मैं दूध की रबड़ी बनाऊंगी उसे गर्म करके। तो देखिए, इस तरह से मैं दूध ले रही हूँ और इसे मैं बॉईल रख दूँगी। मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसको काट कर एक नॉन स्टिक पैन में डाल रही हूँ, जो कि आधा लीटर में डाल चुकी हूँ और आधा लीटर मैंने और डाल दिया है। अब इसे गरम रखूंगी और इसकी रबड़ी बनाऊंगी। दूध गरम रखा है, 1 लीटर दूध गरम कर दिया है और जब ये आधा हो जाएगा उस वक़्त हम इसमें चीनी और इलायची केसर सब डालेंगे। एक स्टेप हमारी है कि हमने आम का रस बनाया है, दूसरी स्टेप है कि हम रबड़ी बना रहे हैं और तीसरी स्टेप है कि हम सेवइयां बना रहे हैं। बचपन से हमारे घर में ये सेवइयाँ आम के रस के साथ बहुत बनती थी, तो हमने भुनी हुई सेवइयाँ ली हैं और उसको एक बर्तन में डाल रहे हैं और इसमें डाल दूंगी मैं घी। घी को गरम करना ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको हम गैस पर रखेंगे। और ये भुनी हुई है, ऑलरेडी रोस्टेड सेवइयाँ हैं, बस इसको अच्छे से गरम करके और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। 1 कप पानी लूँगी। ये सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से हो गई क्योंकि ऑलरेडी रोस्टेड है और इसमें मैंने पानी डाल दिया। 2 कप पानी डाल रही हूँ, 1 और 1/2, और इसे मैं ढक दूंगी ताकि क्या होगा, ये पक जाएंगी, उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, पहले से चीनी नहीं डालेंगे, और इसे कवर कर दूंगी। ये सेवइयाँ पक चुकी हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर, करीब मैं 1/2 कप शुगर इसमें डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ थोड़ी इलायची और थोड़े से ड्राई फ्रूट, ये डाल के इसको मैं मिक्स कर दूंगी और फिर इसे मैं ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये एकदम खिल जाएगी। दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप शुगर। अगर जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग नहीं इतना मीठा खाना चाहते हैं, तो इसमें चीनी नहीं भी डालें तो चलेगा। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ केसर। केसर को मैंने भिगोया, घोटा कुछ नहीं है क्योंकि वो इसके साथ ही बहुत अच्छे से पके हैं। इसमें हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट और बाकी ड्राई फ्रूट मैं ऊपर से भी डालूँगी, तो इसमें ड्राई फ्रूट इसमें हो जाएंगे और बस ये रेडी है रबड़ी। बस इसको अब निकाल के हम ठंडा करेंगे और फिर हमारी तीनों चीज़ें तैयार हैं। इस डिश के लिए मैंने आप लोगों को रबड़ी भी बनानी सिखा दी, सूखी सेवइयाँ बनानी सिखाई, अब इसका प्रेजेंटेशन बताऊँगी।
ये रबड़ी बहुत अच्छे से रेडी हो गई और इसको भी मैं बिल्कुल ठंडा कर लूँगी। ठंडा करके ही हम इसका प्रेजेंटेशन करेंगे और उसको लेयर करेंगे। ये सेवइयाँ रेडी हो गई हैं, देखिए कितनी अच्छी सेवइयाँ बन के तैयार हुई हैं। और इसको शिफ्ट करेंगे हम इस बर्तन में। नीचे पूरा बेस सेवइयाँ का देंगे। थोड़ी सेवइयाँ मैं रख रही हूँ ताकि हम इन्हें ग्लासेस में भी बना के दिखाएंगे। आजकल शॉर्ट ग्लासेस में डेजर्ट बहुत चल रहे हैं, तो देखिए ये ऐसे रेडी करना है। हमने सबसे पहले सेवइयाँ बनाई, सेवइयाँ को उसके ऊपर लेयर किया है और उसके ऊपर से मैंगो प्यूरे डाल रहे हैं। मैंगो का जो हमने ये बनाया है प्यूरे, इसमें दूध नहीं डाला है, चीनी डाली है और इसके साथ में हमने थोड़े आइस क्यूब्स डाले थे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और इस तरह से हमने ये करा है क्योंकि एक ग्लास में भी आपको लगा के दिखाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसे यहाँ रख लिया। रबड़ी बना के हमने ठंडी कर ली है एकदम, और फिर उसे भी इस पे स्प्रेड कर रहे हैं। रबड़ी दुनिया की बेहतरीन मिठाई में होती है, इसलिए हमें रबड़ी बनानी बहुत अच्छे से आनी होती है। अगर कभी कोई हमारे यहाँ आया है और हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, तो हम रबड़ी बना के ही उस पर कुछ फ्रूट डाल के सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे डालें। इसके बाद मैंने एक आम लिया है और आम को थोड़ा छील रही हूँ इसको, ताकि इसका छिलका निकल जाए और इससे मैं कुछ डेकोरेशन इसके ऊपर कर सकूं, ताकि वो मैंगो डेजर्ट पूरी तरह से रहे। और एकदम इसे ठंडा करके सर्व किया जाता है, तो इसको हम थोड़ी सी देर फ्रिज में भी रखेंगे ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और इस तरह से हम आम का एक पीस निकाल लेंगे, थोड़ा सा ये यहाँ से कुछ ख़राब है तो उसे हटा दूँगी और इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ताकि इसको हम इस तरह से गिरा सकें, इस तरह से इसके एकदम पतले पतले स्लाइस मैंने चॉप किए हैं। और इसमें मैं साइड से ऐसे लगा रही हूँ ताकि जिस फ्रूट को आपने यूज़ किया है उसी फ्रूट से इसमें डेकोरेशन होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है कि अगर हमने मैंगो डेजर्ट बनाई है तो मैंगो का ही डेकोरेशन उसमें होना चाहिए। और इस टाइप से हमने इसको लगाया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने इसमें बचा के रखे थे वो इसके ऊपर से डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को लगे तो आप इन्हें रोस्ट भी कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर डाल सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट है जिसे चिल्ड सर्व करना है, तो एकदम हम इसे ठंडा करेंगे फ्रिज में रख के और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। ये एक मैंगो डेजर्ट हमने बनाया है। गर्मियों के मौसम के लिए हमने आज एक ऐसा डेजर्ट बनाया है जो घर की चीज़ों से ही बन गया और बहुत एक्सक्लूसिव लगता है, और उसे हम कभी भी सर्व कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में। आप भी बनाएं और मुझे बताएं कि वो कैसे बना। सूखी सेवइयाँ, रबड़ी और आम के प्यूरी से हमने आज एक डेजर्ट बनाया और उसे हम इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। देखें, एक शॉर्ट ग्लास लें, शॉर्ट ग्लास में इस तरह से सेवइयाँ डालें और उसके ऊपर से आम का रस डालें और फिर उसके बाद उसके ऊपर हम रबड़ी डाल दें और फिर इस पे कुछ मैंगो के पीसेस डाल के और सर्व करते हैं।
ये भी चिल्ड डेजर्ट है जो कि एकदम ठंडा होके बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से शॉट ग्लासेस आजकल बहुत सर्व किए जाते हैं, क्योंकि डेजर्ट का जो साइज़ है, जो पोर्शन साइज़ है, वो बहुत कम हो गया है। पहले की तरह लोग क्वांटिटी में नहीं खाते हैं।